स्मार्टफोन ले लो, स्मार्टफोन ले लो। हाजी भैया, स्मार्टफोन बेच रहे हो क्या? ना भैया, छोले कुलचे बेच रहे हैं। तना दिख ना रहे है कि स्मार्टफोन ही तो है। अच्छा, सॉरी भैया। तो भैया मुझको एक ऐसा स्मार्टफोन दिखा दो जिसके अंदर जो कैमरा है वो DSLR को फेल करे, और जिसे जो वीडियो बने वो 4K 8K के ऊपर सुपर जो है वो बने, और टाइम लैप्स स्लो मोशन सब कुछ बन जाए। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इसमें ना बने। ऐसा फोन दिखा दो बस। अच्छा, समझ गया भैया। ये लो भैया, ये है ताई फोन। कितने का है भैया? भैया ज्यादा का ना है, सिर्फ 1 लाख का है। क्या? जी हाँ, यही कुछ जनरल रिएक्शंस होते हैं आज के टाइम में जब आप कोई भी अच्छे स्मार्टफोन की रेट सुनते हो। पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके लिए लेके आया बेस्ट स्मार्टफोन्स इन इंडिया अंडर 30,000 इन 2021। ये जो फोन्स है ये कैमरे के मामले में बहुत ही ओपी होने वाले हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है इनको यूज करते हैं। आप इनको यूज करके बहुत ही अच्छे फोटोज वीडियोज रिकॉर्ड करके आप स्लो मोशन से लेकर टाइम लैप्स सब कुछ बड़े आसानी से कर पाओगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वन प्लस नॉट 21 जुलाई 2020 में रिलीज हुआ था। इसमें जो कैमराज है वर्टिकली अलाइंड है और इसमें 4 कैमराज है। जो पहला कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का, जो आता है सोनी के IMX सेंसर के साथ में, और जो दूसरा कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा, और जो तीसरा कैमरा है वो है डेप्थ सेंसिंग के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा, और जो लास्ट कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। अब मैक्रो कैमरा काम आता है मैक्रो फोटोग्राफी के लिए, आप इससे बहुत ही अच्छी लेवल की मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हो। अगर बात करूँ वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी की तो ये रिकॉर्ड कर सकता है अप टू 4K, और 1080p के अंदर ये रिकॉर्ड कर सकता है 240fps तक। अब 240fps पे जो रिकॉर्ड हुआ है स्लो मोशन है वो बहुत ही स्मूथ होता है, वो अल्ट्रा स्मूथ होता है, और आपको बहुत ही अच्छा फुटेज मिलता है। अगर बात करूँ फ्रंट कैमराज की तो इसमें 32+8 मेगापिक्सल का कैमरा जो है ड्यूअल कैमराज, तो ड्यूअल कैमरा से आपको जो पोर्ट्रेट्स मिलने वाली है वो बहुत ही अच्छी आने वाली है, और जो फ्रंट कैमरा है वो पंच होल अलाइंड है डिस्प्ले के अंदर, तो ये भी बहुत अच्छा लुक देता है स्मार्टफोन में। तो अगर ओवरऑल बात करूँ तो वन प्लस नॉट की जो कलर ग्रेडिंग है, कलर करेक्शन है, वो बहुत ही अच्छा है। मैंने वन प्लस नॉट बहुत यूज़ कर रखा है, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वन प्लस नॉट के साथ, जब मैंने फर्स्ट टाइम फोटो क्लिक की थी वन प्लस नॉट से तो मैं बड़ा शॉक्ड हो गया था। मैं क्यों शॉक हुआ था? क्योंकि इसकी जो फुटेज थी वो इतनी अच्छी थी, ऑलमोस्ट DSLR को कंपेयर कर रही थी, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी इसको, जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था वन प्लस नॉट का। तो आप भी डेफिनेटली वन प्लस नॉट को परचेज कर सकते हो, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जैसे हर सिक्के के दो साइड्स होते हैं वैसे ही वन प्लस नॉट के बहुत सारे कॉन्स भी हैं। तो बात करूँ पहले कॉन की, तो इसमें जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपको लो लाइट के अंदर बहुत नॉइस दिखाई देता है फोटो में, जिसके कारण जो फोटो है वो इतनी अच्छी प्रोड्यूस नहीं हो पाती। अगर बात करूँ मैं सेकंड कॉन की, तो इसमें जो वीडियो स्टेबिलिटी है वो इतनी प्रॉपर नहीं है, आप जब भी कोई मूवी शॉट लेते हो तो जो वीडियो रिकॉर्ड होता है उसमें जो स्टेबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती, जिसके कारण जो फुटेज है वो बहुत ज़्यादा शेकी हो जाता है। तो अपना जो लास्ट मिथ है वो उनके लिए बहुत ही बड़ा होने वाला है जो पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। जब आप पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करते हो तो कभी कभी इसमें जो एजेस होते हैं वो प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं करता फोन, जिसके कारण जो पोर्ट्रेट्स होते हैं वो इतने शार्प नहीं होते। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको 2-3 पोर्ट्रेट्स क्लिक करने पड़ेंगे एक परफेक्ट पोर्ट्रेट कैप्चर करने के लिए। दैट्स ऑल। तो अपने लिस्ट के अंदर जो सेकंड नंबर फोन है वो है गूगल पिक्सल 4a। गूगल पिक्सल 4a के अंदर एक ही कैमरा है और जो अपर साइड लेफ्ट साइड में अलाइंड है, और ये है 12.2 मेगापिक्सल का, और ड्यूअल पिक्सल टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, और ये कैमरा वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है पोर्ट्रेट्स के लिए, मतलब इसके पोर्ट्रेट बहुत शार्प आते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो गूगल के कैमराज होते हैं वो बहुत ही, इसके लेंसेज बहुत शार्प होते हैं, बहुत अच्छे लेंसेज होते हैं। बहुत सारे फ़ोन्स होते हैं जिसमें 5-6 कैमराज दे दिए जाते हैं पर फोटोज़ फिर भी अच्छी नहीं आती। मैं नाम नहीं लूँगा ब्रांड्स का, पर बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जिनमें 6-6, 7-7 या 5-5 कैमराज दे देते हैं, जो वर्क करते हैं वो एक भी वर्क नहीं करता और एक भी ढंग का वर्क नहीं करता, पर जो गूगल का जो कैमरा है वो एक ही सबके लिए काफ़ी है। अगर मैं बात करूँ वीडियोग्राफी की तो इसके अंदर आप 4K में रिकॉर्ड कर पाओगे 30fps पे, और साथ में जो वीडियो का जो डायनेमिक रेंज और कलर कॉन्ट्रास्ट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर बात करूँ मैं फ्रंट कैमरा की तो इसके अंदर है 8 मेगापिक्सल का पंच होल डिस्प्ले के साथ कैमरा,
और ये कैमरा भी बहुत अच्छा है, पर इतना एक्यूरेट नहीं, इतना बढ़िया नहीं है, पर ओके ओके आप काफ़ी हद तक अच्छी सेल्फीज क्लिक कर पाओगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपको पता ही होगा कि जो गूगल के फ़ोन से उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत बढ़िया होता है, जिसके थ्रू जो फोटोज़ होते हैं वो बहुत अच्छे से प्रोसेस होकर बहुत अच्छा आपको एक आउटपुट मिलता है। अगर मैं बात करूँ कुछ कॉन्स के बारे में, तो हर जगह जो फोटोज़ होती है वो इतनी एक्यूरेट इतनी अच्छी नहीं होती गूगल के फ़ोन में, ये वाले जो बेसिकली 4A फ़ोन है इसके अंदर। और जो दूसरा सबसे बड़ा कॉन है कि आप मैक्रो फोटोग्राफी, वाइड एंगल फोटोग्राफी ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही लेंस है और बाकी लेंसेस नहीं है, तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे आराम से। और उसी के साथ जो डिस्प्ले क्वालिटी है, जो प्रोसेसर है, वो सब भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो गूगल पिक्सल 4A को। तो बात करो अपने लिस्ट के तीसरे फ़ोन की तरफ, जो है एसुस का ज़ेनफोन 6। जो मेन कैमरा है उसमें वो है 48 मेगापिक्सल का, और जो दूसरा कैमरा सेकेंडरी कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा। और सबसे मज़े की बात पता है क्या है इस फ़ोन की? इस फ़ोन के अंदर जो दो कैमराज हैं वो फ्लिप कैमराज हैं, मतलब जो आपके कैमराज फ्रंट में होंगे वही बैक में होंगे, तो ये बहुत ही अच्छा आप वीडियो फुटेज या फोटोज़ ले सकते हो इसके थ्रू। अगर बात करूँ वीडियो क्वालिटी की, तो ये रिकॉर्ड कर सकता है 4K में 30fps तक। सबसे अच्छी बात इसके अंदर जायरो स्टेबलाइजेशन दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप जो स्टेबलाइजेशन है वो बहुत ही प्रॉपरली कर पाओगे। इसी के साथ आप 1080p में 240fps तक भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जिससे आपका जो स्लोमो होगा वो बहुत ही स्मूथ और फाड़ होगा, तो वो भी आप इसके थ्रू आराम से कर पाओगे। और अगर बात करूँ ऑटो फोकस की, तो इसके अंदर जो ऑटो फोकस यूज़ है वो है लेज़र ऑटो फोकस, तो इसमें जो फोकस होंगे वो बहुत ही शार्प होगा, जो एजेस बहुत शार्पली डिटेक्ट होगा इस फ़ोन के अंदर, तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब प्रो है इस फ़ोन के अंदर। और ये फ़ोन रिलीज़ हुआ था 19 जून 2019 में, थोड़ा सा पुराना, थोड़ा काफ़ी पुराना फ़ोन है, पर आज के मामले में भी इस फ़ोन को कोई बीट नहीं कर सकता। तो अगर बात करूँ मैं कुछ कॉन्स की, तो सबसे बड़ा कॉन है इस फ़ोन के अंदर वो है कि इसमें जो लेंस है वाइड एंगल लेंस, वो इतना प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं करता सब्जेक्ट्स को, तो ये कभी कभी वाइड एंगल लेंस का हल्का सा ड्रॉबैक दिखाई देता है आपको। इसी के साथ ये हर लाइटिंग कंडीशंस के अंदर एक ही साथ शूट नहीं करता, तो हर लाइटिंग कंडीशंस में आपको डिफर कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है तो आप मैनुअल मोड के अंदर भी कैमरा यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर आप बेस्ट फुटेजेस ले पाओगे। इसी के साथ जब आप कोई वीडियो शूट करोगे तो बहुत स्मूथ मोशन ला सकते हो वीडियो के अंदर, या आप जब फॉर एग्जांपल कोई भी गिम्बल जैसे शॉट्स है वो आप आराम से इस फोन के अंदर ले सकते हो। तो अगर आप व्लॉगिंग करते हो, या फिर आप सिनेमेटिक शॉट्स लेते हो, या प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हो, वीडियोग्राफी करते हो, तो ये जो फ़ोन है आपके लिए दी बेस्ट होने वाला है। तो अपने लिस्ट के अंदर फोर्थ नंबर पर आता है एप्पल भैया। एप्पल का फ़ोन है एप्पल SE 2020, जो हाल ही में रिलीज़ हुआ है, बहुत ही अच्छा फ़ोन है इन टर्म्स ऑफ कैमरा। ये फ़ोन मैंने क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि एप्पल के जो ऑप्टिमाइजेशन है सॉफ्टवेयर का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कलर ग्रेडिंग अच्छा है, लेंस वगैरह सब कुछ अच्छा है, और एप्पल का SE जो 2020 है ये फ़ोन है जो मिड रेंज के अंदर बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक पहले मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, जो है कि इसकी स्क्रीन बहुत छोटी है। इसके अलावा इस फ़ोन के अंदर कोई भी कमी नहीं है, द बेस्ट फ़ोन है, द अल्टीमेट फ़ोन है ये। तो अगर बात करूँ कैमराज की, तो इसके अंदर 12 मेगापिक्सल कैमरा जो है लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर पर अलाइंड है, और इसी के साथ इसमें आप ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, जिसके थ्रू आप फोटोज और वीडियो बहुत स्टेबल ले पाओगे। तो अगर बात करूँ वीडियो क्वालिटी की, तो ये रिकॉर्ड कर पाता है 1080p एंड अप टू 4K। तो ओवरऑल बात करूँ तो इसकी डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी है कैमरा की, और इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छे दिखाई देते हैं आपको इमेज के अंदर, तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉन्स के बारे में। जो सबसे बड़ा कॉन्स है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसकी स्क्रीन बहुत छोटी है। जब आप फोटो क्लिक करके देखना चाहते हो तो उसकी स्क्रीन बहुत छोटी होने वाली है, जिसके थ्रू जो फोटो आपको इतना क्लियरली नहीं दिखाई देगा, तो स्क्रीन बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सेकंड ड्रॉबैक है वो है इसकी बैटरी। जब आप फोटो क्लिक कर रहे हो, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होने वाली है। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो ये फ़ोन आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। मैं सारे फ़ोन्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आते हैं अपने लिस्ट के लास्ट फोन की तरफ, जो है Xiaomi का 10i। Xiaomi ने 10i को स्पेशली इंडिया के लिए डिज़ाइन किया और इंडिया में ही लॉन्च किया है। अगर बात करूँ मैं कैमराज की, तो इसके अंदर 4 कैमराज है। जो पहला कैमरा है वो है 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, जो सेकंड कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, और जो थर्ड कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, और जो लास्ट कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। जो डेप्थ कैमरा है वो डेप्थ सेंसिंग के लिए काम आता है, उसके आपके जो पोर्ट्रेट्स है वो बहुत अच्छे आते हैं। अगर बात करूँ मैं वीडियो क्वालिटी की, तो ये रिकॉर्ड कर पाता है अप टू 4K एंड 1080p के अंदर ये 120fps तक रिकॉर्ड कर पाता है, जिससे अगेन स्लो मोशन बहुत ही स्मूथ और शार्प आते हैं।
तो अगर मैं बात करूँ फ्रंट कैमरा की, तो इसके अंदर है 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल फ्रंट कैमरा और ये है पंच होल डिस्प्ले के अंदर, जिसके थ्रू जो आपके फुटेज है वो बहुत वाइड आएंगे, वाइड एंगल फुटेज, वाइड एंगल इमेजेस आपको मिल पाएगी। ओवरऑल अगर बात करूँ मैं इस फ़ोन के बारे में, तो जो Xiaomi के आपको पता होगा कि जो सॉफ्टवेयर वो ऑप्टिमाइजेशन है वो इतना बढ़िया नहीं है। अगर बात करूँ मैं इसी को कंपेयर करूँ एप्पल या गूगल से, तो उनमें भली एक कैमरा दे दो पर उसके जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ही फाड़ होती है। पर Xiaomi के अंदर इस बार Xiaomi ने स्पेशली इंडिया के लिए डिज़ाइन किया है और ये फ़ोन मैंने पर्सनली ट्राई किया, हाथ में लेके मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया इस फ़ोन को, तो मुझे इसका जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है वो बाकी Xiaomi के फ़ोन से काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी ठीक लगी, तभी मैंने इस फ़ोन को इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। तो बात करूँ अगर मैं कुछ कॉन्स की, तो Xiaomi ने इतने सारे कैमरा देने के बाद भी जो इसके पोर्ट्रेट्स हैं वो इतने शार्प नहीं आते, मैं करेक्ट करना चाहूँगा, कभी कभी नहीं आते। जनरली फोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं पर कभी कभी जो पोर्ट्रेट्स हैं वो बहुत ही वियर्ड आते हैं। तो आप जब भी पोर्ट्रेट फोटो शूट कर रहे हो तो हमेशा 4-5 फोटो शूट कर लीजिए ताकि आपके पास द बेस्ट ऑप्शन रहे। और बात अगर मैं करूँ नेक्स्ट कॉन के बारे में, तो सबसे बड़ा सेकंड कॉन है वो है कि अगेन सॉफ्टवेयर, इसका सॉफ्टवेयर बाकी फ़ोन्स के मामले में इतना स्ट्रांग नहीं है, तो जो कलर जो प्रोसेसिंग होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती, तो इसके तो जो कलर्स होते हैं इमेजेस में वो इतने एक्यूरेट आ नहीं पाते। तो आप इस फ़ोन को भी चेकआउट कर सकते हो, ओवरऑल ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है। इसका एक भाई है जिसका नाम है Xiaomi 10T, जो Xiaomi ने ग्लोबली लॉन्च किया है, उस फ़ोन को भी आप चेकआउट कर सकते हो, वो भी फ़ोन बहुत अच्छा है, स्पेसिफिकेशन सेम है, कुछ वो हल्का सा हाई एंड में आता है फ़ोन, कुछ स्पेसिफिकेशन ज़्यादा प्रो है उसके अंदर, पर आप उस फ़ोन को भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो आ गया वक्त वीडियो कंक्लूड करने का। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 5 स्मार्टफोन्स के बारे में बताया जो कि बेस्ट स्मार्टफोन्स है अंडर 30,000 इन इंडिया इन 2021। और आपको मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, मैंने कुछ फोन्स के बारे में बहुत कम बताया और कुछ फोन्स के बारे में काफी बताया। तो यहाँ पे ये बात आती है कि फॉर एग्जाम्पल आईफोन के बारे में मैंने ज्यादा नहीं बताया क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है उसकी इमेज प्रोसेसिंग कैसी है, इसका कैमरा कैसा है, तो ज्यादा बताना लाइक कुछ था नहीं उसमें। और कुछ फोन्स के बारे में मैंने बहुत बताया, तो मैंने वहां डिफरेंशिएट करके आपको उस फोन्स के बारे में बताया। और एक चीज और, अगर इनमें से कोई भी आपको फोन 30,000 के अबव मिल रहा है तो आप थोड़ा वेट कीजिए प्राइस फॉल होने का, आपको ये फोन्स 30,000 के अंडर आराम से मिल जाएंगे, कोई ऑफर्स का वेट कीजिए। अगर आपके माइंड में कोई भी दूसरा फोन है 30,000 के अंडर जिसका कैमरा बहुत ही फाड़ है, तो आप डेफिनेटली कॉमेंट कर सकते हो, आपके कॉमेंट्स मोस्ट वेलकम है। और आप साथ में मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हो, मैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप हाई क्वालिटी ब्लॉग्स पढ़ के भी फोटोग्राफी रिलेटेड और बहुत कुछ जान सकते हो। साथ ही में मेरे आप फोटोग्राफी अकाउंट को भी चेकआउट कर सकते हो द लेजिट लेंस, उसकी वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।